Hey friends, hope you all are fit and healthy. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सेकंड बेबी प्लान करने का सोच रहे हैं. फ्रेंड्स, फैमिली प्लान करना सबके लिए बहुत पर्सनल होता है. इवन ये डिसीजन इजी नहीं होता. अगर आपको भी ये डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना. डेफिनेटली आप इसके बाद अपना डिसीजन ले पाएंगे. और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना. डेफिनेटली फर्स्ट प्रेगनेंसी का, फर्स्ट बॉर्न का एक्सपीरियंस है, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी बहुत अलग और डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के साथ साथ अपने फर्स्ट बॉर्न, अपने फर्स्ट बेबी का ध्यान रखना है. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. फ्रेंड्स, आपकी फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन, आपको सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कम से कम 18 मंथ्स का गैप लेना ज़रूरी है. इसका मतलब है कि जब आपका फर्स्ट बेबी 1.5 साल का हो जाए, उसके बाद ही आप सेकेंड बेबी के लिए प्लान करें. और ये टाइम इसलिए ज़रूरी है कि इसमें आपकी बॉडी को अच्छे से रेस्ट मिलेगा. जो न्यूट्रिएंट आपने फर्स्ट प्रेगनेंसी में लॉस किए थे, आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अच्छे से रिकवर हो सकेगा. इसके अलावा आपकी फर्टिलिटी, आपकी फिटनेस की हेल्थ भी प्रोटेक्ट रहेगी. फ्रेंड्स, अगर आप 18 मंथ से गैप कम लेते हैं तो चांसेस है कि आपका बच्चा प्रीमैच्योर या अंडरवेट होगा, और ये रिस्क इंक्रीज होता रहेगा जैसे ही आप गैप और कम करेंगे. नेक्स्ट इज कपल्स एज एंड देयर हेल्थ. क्या आपको पता है आफ्टर एज ऑफ 30 आपकी फर्टिलिटी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है. इवन 35 के बाद तो ये बहुत तेजी से कम होती है, जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे आपकी एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डिक्रीज होने लगती है, कंसीव करना मुश्किल हो जाता है, इवन जेनेटिक डिफेक्ट और मिसकैरेज का रिस्क भी बढ़ जाता है. फ्रेंड्स, आपकी एज के साथ साथ आपके पार्टनर की एज भी क्रूशियल रोल प्ले करती है. फीमेल्स के जैसे मेल की भी फर्टिलिटी आफ्टर 30 डिक्लाइन होने लगती है, जिससे उनकी स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डिक्रीज हो जाती है. फ्रेंड्स, एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है कि आप दोनों पार्टनर्स फिट और हेल्दी रहें. प्रेगनेंसी के कारण फीमेल बॉडी में बहुत से ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, सो मेक श्योर आप फर्स्ट प्रेगनेंसी से अच्छे से रिकवर्ड हो. इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके पार्टनर की हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. उससे आपको अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स मिलेंगे, जिससे बच्चा हेल्दी होगा. सो आज से ही आप दोनों एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सिचुएशन. आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, क्योंकि आपको सेकंड बेबी के साथ साथ अपने फर्स्ट बेबी का भी ध्यान रखना होता है, जिससे आपका करियर, आपकी इनकम अफेक्ट होती है. सो मेक श्योर आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हो सेकंड प्रेगनेंसी से पहले. नेक्स्ट इज एज गैप. जब भी आप सेकंड बेबी प्लान करें तो ज़रूरी है कि आप एज गैप को ज़रूर कंसिडर करें. जो कपल्स चाहते हैं कि उन दोनों बच्चों का माइंडसेट सेम हो, कॉमन इंटरेस्ट हो, वो एज गैप कम रखें. और दूसरी तरफ जो कपल्स चाहते हैं कि वो अपने हर बच्चे पे अच्छे से फोकस कर सके, वो एज गैप ज़्यादा कर सकते हैं. और इससे जो बड़ा बच्चा है उसमें बिग ब्रदर और बिग सिस्टर की अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होती है. फ्रेंड्स, इन सब के अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने फर्स्ट चाइल्ड को पहले ही पॉटी ट्रेनिंग दे दें. ट्रस्ट मी, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. न्यूबॉर्न की केयर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इवन फुल टाइम जॉब होता है. आप एक साथ दो बच्चों की पॉटी मैनेज नहीं कर पाओगे. बेटर है कि आप पहले उसे पॉटी ट्रेनिंग दे दें, जिससे वो जब भी पॉटी उसको आएगी वो आपको बता देगा. इसके अलावा फ्रेंड्स, आप एडवांस में ही डिसाइड कर लें कि कौन आपके फर्स्ट चाइल्ड का ध्यान रखेगा, जैसे उसे स्कूल भेजना, स्कूल से लाना, उसको खाना खिलाना, और कौन रात को उसके साथ सोएगा. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप उनके साथ कम्युनिकेट करें, अपने पहले बच्चे को उनके साथ फ्रेंडली करें, उनको उसके रूटीन के बारे में एक्सप्लेन करें, जिससे आफ्टर डिलीवरी आप अच्छे से मेंटली और फिजिकली रेस्ट कर सके, और जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है. सो जो भी आपके फ्रेंड सेकंड बेबी प्लान करने वाले हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना. और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना. इसमें आपके सिर्फ 10 सेकंड जाएंगे, लेकिन इससे हमारे चैनल को ग्रोथ होने में बहुत हेल्प मिलेगी. थैंक यू.